कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्मूले में टैक्स कैटेगरी की फॉर्मूला। टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेपरेशन एंड कंबाइन करने का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि हमने मेरा नाम ले लीजिए सुजीत एंड कुमार, इन दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला है आपका वो है कॉन्कैटेनेट का फॉर्मूला। कॉन्केट फॉर्मूला, हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा स्पेस, हमने इसको सिलेक्ट किया आ गया। दूसरा है एन परसेंट का सिंबल, हमने इसको सिलेक्ट किया एन परसेंट लगाया स्पेस दिया और फिर इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक लिस्ट कंबाइन करनी हो, अगर एक लिस्ट को कंबाइन करनी हो तो 2016 तक इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको इसी फॉर्मूले को वन बाय वन लेके चलना पड़ेगा कि आपने इसको पहले लिया फिर इसको पहले लिया इस तरह से। लेकिन 2019 में दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है कॉन्केट का। कॉन्केट फॉर्मूले को आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी सेपरेशन लिस्ट। लेकिन आप ज्वाइन करना चाहते हैं विद सेपरेशन तो आपके पास अनदर फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन। अब इसमें सेपरेशन देना होगा कि दो वर्ड के बीच में क्या सेपरेशन देना चाहते हो, क्या आप ब्लैंक को इग्नोर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, और फिर अपने लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है टेक्स्ट ज्वाइन में, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट दिया हुआ, मुझे इन दोनों डेट को ज्वाइन करना है टू लगा के। तो हमने कॉन्केट या एंड परसेंट या टेक्स्ट ज्वाइन या कॉन्केटेनेट जो भी फॉर्मूला लेना है लिया, स्पेस यहाँ पे टू देता हूं, यहां भी प्रॉब्लम आ गया क्योंकि फॉर्मूला जब भी वर्क करता है वो वर्क करता है एक्चुअल नंबर्स पे। जी हाँ, फॉर्मूला वर्क करता है एक्चुअल नंबर्स पे। और ये जो हमारा 4383124441244 दिख रहा है, ये डेट का एक्चुअल नंबर होता है। और नंबर क्या होता है ये ना आपको हम पेस्ट स्पेशल में ही समझा दिया था, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्मूला है। टेक्स्ट फॉर्मूला के जरिए आप कस्टम फॉर्मेटिंग की कोट लगा के सेम फीचर्स में आप ला सकते हो, सेम फॉर्मेटिंग में ला सकते हो एज ए टेक्स्ट। ये भी हमने आपको टेक्स्ट फॉर्मूला में समझाया था। अब इसको यहां ज्वाइन, मतलब कि ज्वाइन करते समय आप फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें अपना जो डेट का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आप डाल दीजिए। समझ में आया सर? दीपक जी एंड भुवन जी, यस सर। टेक्स्ट तो ये हो गया ज्वाइन का। अब बात करते हैं सेपरेशन का कि हाउ कैन सेपरेट। जैसे कि अगर हम नंबर्स की ही बात करें, हम नंबर्स की बात करें तो मुझे इन तीनों नंबर को तीन अलग अलग कॉलम में करने हैं। तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट का,
जो कि इसमें से नंबर ऑफ डिजिट से थ्री डाल दिया तो तीन डिजिट अलग कर देगा। राइट के लिए हमारे पास राइट का फॉर्मूला जो राइट से तीन डिजिट को अलग या जितना डिजिट कहेंगे उतना डिजिट अलग कर देगा। फिर हमारे पास मिड का फॉर्मूला है जो कि बीच में से अलग करता है, तो मिड हमने कॉमा, हमने बोला कि चौथे नंबर पांचवें नंबर से, हाँ पांचवें नंबर से तीन डिजिट को अलग कर। तो सेपरेशन के लिए होता है लेफ्ट राइट और मिड का फॉर्मूला, लेफ्ट राइट और मिड का फॉर्मूला। लेकिन ये तो नंबर ऑफ डिजिट पे चल रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक यहां पर है, मेरा मेल आईडी है kumar@iptindia.com। मुझे इसमें से अपना आईडी को अलग करना है और साइट को अलग करना है। अब यहां पे और भी बहुत सारे ईमेल्स हैं, तो अगर हम ऊपर वाली मेथड को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, मैनुअली हर किसी में डालना पड़ेगा, उससे अच्छा है कॉपी पेस्ट ही करके डबल क्लिक करके। सो कुछ ऐसा ऑटोमेशन होना चाहिए। तो हमारे मेल आईडी में सेपरेशन एट द रेट है, एट द रेट के बाद हमारी साइट है, उससे पहले हमारा नंबर्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है फाइंड और एक होता है सर्च, दोनों एक ही फॉर्मूला है। बस फाइंड में केस सेंसिटिव नहीं है, और फाइंड में केस सेंसिटिव है, सर्च में केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब फाइंड बड़े छोटे के लेटर का फर्क रखता है, सर्च जो है बड़े छोटे का फर्क नहीं रखता। हमने इसमें क्लिक किया एंड कॉमा वन, इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया न्यूमेरिक नंबर्स। मतलब इसने बताया कि इसमें जो एट द रेट है वो छठे कैरेक्टर पे है। अब मैं यहां लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसमें से फाइंड की रिजल्ट माइनस वन, ये हमारा कुमार आ गया। इस फाइंड फॉर्मूले को मैं यहां डी थ्री के पेस्ट कर देता, तो फाइंड सिक्स माइनस वन यानी फाइंड की रिजल्ट माइनस वन, ये पांच करेक्टर इधर से अलग कर दिया और ये फिक्स हो गया। कल के डेट में अगर मैं इसको राज मान लीजिए कुमार के जगह पे मैं कर देता हूँ राज, तो सिर्फ ये राज को ही अलग करेगा, तो ये फुल्ली ऑटोमेट हो गया, डायनेमिक हो गया। और साइट कैसे अलग करें, तो हमारे पास एक लेन का फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेन का फॉर्मूला क्या करता है कि नंबर ऑफ देता है, लेन का फॉर्मूला नंबर ऑफ लेंथ देता है 18। तो मैंने बोला राइट को, राइट इसमें जाओ, इसकी कंप्लीट लेंथ मतलब कि पूरे लेंथ में से, कंप्लीट लेंथ में से माइनस कर दो फाइंड का रिजल्ट। इसने फाइंड का रिजल्ट और दे दिया iptindia.com। अब फाइंड फॉर्मूले को मैं इसके ऊपर रख देता हूं। समझ में आया आप लोगों को, भुवन जी एंड दीपक जी? यस क्लियर है सर। इस तरह से इसको हम अलग कर सकते हैं फाइंड और सर्च फॉर्मूले की मदद से। लिए कुछ छोटे छोटे जो है उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि केस चेंजिंग सुजीत है, तो अगर मैं यहाँ लोअर फॉर्मूला दूंगा तो ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा, अपर फॉर्मूला दूंगा तो अपर में कन्वर्ट कर देगा। और एक हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो कि प्रॉपर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने सुजीत कुमार किया हुआ है तो सुजीत और कुमार दोनों का लेटर बड़ा कर देगा, लेकिन मुझे सिर्फ सुजीत का लेटर बड़ा करना है तो
सुजीत का एस का लेटर बड़ा, इससे पहला लेटर बड़ा करना है, एक पहले वर्ड का पहला लेटर, पहले वर्ड का पहला लेटर। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना, पहले करना पड़ेगा लेफ्ट, लेफ्ट से मुझे एक लेटर अलग करना पड़ेगा, फिर उसको अपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे यहां राइट से एक लेटर कम, इसकी पूरी लेंथ से एक लेटर कम लेना पड़ेगा। और फिर इसको लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर दोनों को कॉनकैटेनेट करना पड़ेगा। यदि इतने अलग अलग लगाया हमने, एक सेल में आप लगा सकते हैं अपर, अपर के अंदर में लेफ्ट, लेफ्ट में हमने बोला कॉमा वन एन परसेंट के साथ, लोअर एंड लोअर में हम देंगे राइट, और राइट में हम बोलेंगे इसकी कंप्लीट लेंथ से माइनस वन। ठीक है सर? तो आप बोलोगे से ऐसे ही दिक्कत हो सकती है, तो कॉपी पेस्ट वाला मेथड अपना सकते हैं, राइट सर? और दीपक जी अभी तक आपके वो इफ वाले ये नहीं मिले मुझे, भुवन जी आपके तरफ से भी नहीं मिला है सर, आज शाम तक भेज दूंगा आपको मैं। हाँ भेज दीजिए, ताकि इसका भी टेस्ट भी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल भेज देता हूँ। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर, ठीक है? इसमें आगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हम कल आपके साथ जो टेक्स्ट फॉर्मूले के जो बचे हुए जितने भी एग्जांपल्स हैं, हालांकि इसमें कुछ बचा खास नहीं है, मोस्टली हमने एक काम करते हैं बचे हुए फॉर्मूले भी खरीद देते हैं। चलिए, तो इसमें आपका क्लीन कोड, हाँ इसमें एक आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला, एक डॉलर और एक फिक्स पहले जानी है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 1500 डाला, तो इसमें कोई भी किसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर देता है ना, किसी तरह कुछ भी अप्लाई कर देता है। हम चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि बिल वगैरह में ऐसी हो जाती है, दिक्कत होता है, तो हम चाहते हैं कि नहीं 1500 रहे। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स के अंदर 1500 दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें अब किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं वर्क, किसी तरह का फॉर्मेटिंग वर्क नहीं करेगा। और डॉलर साइन की जांच चाहिए तो डॉलर फॉर्मूले में हर दीजिए, जो आपका डिफॉल्ट करेंसी होगा वो डिफॉल्ट करेंसी आएगा। अगर आपने आपने इंडिया सेलेक्ट कर रखा होगा इंस्टॉल करते समय रीजन, तो आपको यहाँ पे डॉलर की जगह पे रुपीज का सिंबल आया। उसके बाद एग्जैक्ट है, जैसे कि राम और यहाँ पे राम है, दोनों अलग अलग है हमारे लिए, लेकिन एक्सेल के लिए दोनों एक ही है, क्योंकि एक्सेल की कंडीशंस में के सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जिसके लिए आप एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच होगा मतलब कि दोनों का केस भी सेम होगा, तब जाके मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। जैसे कि यहां देखिए अब मैच कर गया, एग्जैक्ट उस चीज के लिए यूज किया जाता है। हमने बता ही दिया, लोअर बता दिया, नंबर वैल्यू, अगर आपका नंबर टेक्स्ट में है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, प्रॉपर बता दिया, रिप्लेस लास्ट क्लास बता दिया था, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला बता ही दिया था, टेक्स्ट ज्वाइन भी हो ही गया। इसमें दो तीन फॉर्मूला है, जैसे कि रैप्ट है और टी फॉर्मूला है जो कि बचा हुआ है। रैप्ट के बारे में जानिए, हालांकि इसके बारे में डिटेल्स में कल बताऊंगा। तो रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है, रिपीट करता है, जैसे मैंने बोला कि ए को 5 बार रिपीट कर, जो कैरेक्टर देंगे उसको उतना बार रिपीट कर देंगे। इसका भी हम लोग यूज करते हैं, ये आपको हम कल की क्लास में समझाएंगे। दूसरा लिस्ट ऑफ द नंबर और लिस्ट ऑफ द टेक्स्ट है आपके पास,
तो हमारे पास एक टी का फॉर्मूला है जो सिर्फ टेक्स्ट को, जी हाँ, टी का फॉर्मूला है जो कि सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। और इसी का अपोजिट एन का फॉर्मूला है जो कि सिर्फ नंबर को शो करता है और टेक्स्ट को जीरो कर देता है। तो टेक्स्ट कैटेगरी के सारे फॉर्मूले हमने आपके कवर कर दिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगला हमारा डेट एंड टाइम है, लेकिन उससे पहले हम एक और रैप्ट और कुछ और चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे कल। ओके ओके सर, प्रैक्टिस कीजिए सर।